हेलो मित्रों जय माता दी माता रानी की कृपा से आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं ये वीडियो आप सभी ग्रह लेकर आ चुके हैं जो कि आज के दिन बताएंगे कन्या राशि के लोगों के लिए यह बड़े दुर्घटना किस प्रकार अगले चार दिनों में हो सकते हैं जिंदगी आपके साथ बहुत बड़ा खेल या कुछ प्रकार के कार्य होने वाले हैं जिनके आप लोगों को सावधान रहना हो सकता है आपके जीवन में खुशों को प्राप्त करने के किसी के नजर लग जाएंगे या कुछ बातों को रूबरू करवाना भी काफी लाभकारी हो सकता है तो आपको बताएंगे जो कि जानना काफी लाभकारी होगा और कुछ बातों को जानना भी आप सभी कन्नारासी के लोगों के लिए काफी खास हो सकता है और कुछ खास बातों को प्रचालन करना भी काफी लाभकारी हो सकता है और कुछ बातों से घटनाओं का संकेत आपको मिल सकता है लेकिन आप सभी को कुछ बातों से आप लोगों को सावधान रहना हो सकता है तो दोस्तों आज आपको बताएंगे आपके दिन क्या ऐसा रहेगा और किस प्रकार के परिस्थितियों से आप लोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान की जा सकते हैं तो आपको व्यापार व्यवसाय के रियल बुलाय पाप स्वास्थ्य क्या रहेगा तथा आप माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा वो बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है तो आपका लकी नंबर आपका लकी कलर क्या रहने वाला है आपको बताएंगे आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आप लोगों के लिए किस प्रकार से और बेहतर हो सकते हैं तो आपको बताएंगे आज आपको कौन सा महत्वपूर्ण काम काज को अंतिम रूप तक देना हो सकता है और किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है आपके आर्थिक तंगा भी किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं तो कुछ प्रकार से विशेष महत्वपूर्ण साबित होने वाला है में इस को पूरा, से पूरा जरूर देखें अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चले आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने के साथ, साथ आपके जीवन में प्रस्थितियों से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे तो लगातार हमारे साथ वीडियो के अंत तक आखिर तक बड़े रहें उससे पहले वीडियो को लाइक करें माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दे जरूर लिख दें तो दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले इस अगले चार दिन में आपके साथ किसी भी प्रकार की जो है अनहोनी कार्य हो सकते हैं यह चार दिन की शुरुआत तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है आपको दांतों और आंख से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में स्थित हैं लेकिन शनि की दृष्टि बने हुए है हालांकि यह चार दिन में उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक यह चार दिन की शुरुआत में ज्यादा सतर्कताएं बरतें समय निवेश के लिए सामान्य से बेहद बेहतर रहने वाला है परंतु आपको हर प्रकार के आकर्षित करने वाले किसी भी तरह जो के जोखिमों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है इसलिए उचित सलाह से ही अपना निवेश करने हैं मुनाफा को अर्जित करने जीवन में तरक्की को प्राप्त करने हैं परिवार में आपको यह समय अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होगा क्योंकि सूर्य और केतु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं इनसे आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में खास परेशानियां आ सकती हैं ऐसे आपके लिए बात तार यह होगा कि उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए आप पर नियंत्रण के प्रयास करते रहें यह चार दिन के शुरुआत आप अपने द्वारा किए गए पिछले कुछ निवेशों को मजबूत करने और आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना बनाने और राजनीतिक बनाने में अपने प्रयास को करते दिखाई दे सकते हैं आप में किसी भी महान काम को करने से परे विशेषज्ञों के या पिता या पित किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा खासतौर से यह समय की शुरुआत जो है सबसे अधिक मेहनत करवा सकते हैं परंतु इसके बाद आप काम मेहनत के बाद भी करके भी अधिक अंकों को प्राप्त कर सकते हैं गायों को प्रतिदिन हरा चारा जरूर जरूर खिलाएं। जो कि आपको काफी साधे समत्कार के साथ कई सारी खुशियों की प्राप्ति करने का मौका दे सकते हैं आपके ये आने वाले दिन में कन्या राशि के लोगों के लिए काफी बेहतरीन होगा आपके स्वास्थ्य जीवन को देखा जाए तो यह समय आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा सुगन वैश की दृष्टि आपके लग्न भाव तथा दशम भाव पर होंगे जिसके कारण भी इस दौरान आप ऊर्जाओं से भर भरे हो सकते हैं आपको हर एक काम को दक्षताओं के साथ पूरा करने का हर एक संभव प्रयास भी करने होंगे ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा यह समय आपको जल्द ही धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके पांचवें भाव का स्वामी सूर्य आपके आठवें आप भाव में केतु और बुद्ध के साथ गोचर कर रहा है और बुद्ध आपके छठे भाव का स्वामी है जिसकी वजह से आप बिना किसी कारण के बगैर कोई गैर कानूनी पहुंचने में फंस सकते हैं परिणाम स्वरूप आप किसी भी को नुकसान होने के साथ साथ आपको अतिरिक्त प्रयास हानि धन हानि होने के योग बन सकते हैं रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को प्रे तुरुताजे करने में यह समय आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्ति होंगे साथ ही यह समय घरेलू मामलों में और भी काफी अच्छे से लंबे समय लंबे पड़े घर के काम के लिए भी अच्छा सिद्ध हो सकता है व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में व्यवसाय में विस्तारित करने का सोच रहे थे हैं उन्हें यह समय उसको लेकर कोई भी अच्छा समाचार मिल सकता है क्योंकि योग बन रहे हैं कि यह समय आपके रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आए हैं जिस कारण आप अपने व्यापारी के लिए कोई योजना कोई ऐसी कदम और उठा सकते हैं जिनसे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेंगे शिक्षाओं के क्षेत्र में यह समय विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ चुका है खासतौर से वह छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए समय विशेष फलदायक साबित हो सकता है उपाय क्या करें प्रतिदिन सुबह सूर्य को अद्र दें कुत्तों को खाना लाए और कुछ बढ़िया बड़े कार्य करें आपको गरीबों को देखें जो कि आप लोगों को काफी बढ़िया प्रगति को प्राप्त कर सके करियर के लिहाजा कौन से आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए जो है आप लोगों का अच्छा सिद्ध होता है और आप लोगों के लिए आपके जीवन के लिए सामान्य से अनुकूल यह चार दिन रहने वाला है इसलिए कन्या राशि में जन्मे जातक इस दिन के दौरान अपने करियर में अच्छे अवसर को प्राप्त करने में सफल रहेंगे शुरुआती दिनों में मंगल ग्रह आपको ऊर्जा प्रदान करते हुए आपको सप्तम भाव से अष्टम की ओर प्रस्थान करेंगे इस दौरान वह छात्र आपके कार्यक्षित्र और कैरियर के में भाव को भी दृष्टि करेगा जिनसे आपको अपने कार्य स्थल पर उच्च पद की प्राप्ति करने में भरपूर सफलता मिलेगी हालांकि यह आप लोगों के लिए चार दिन जो है पंचम भाव में अत्यधिक ग्राहक की उपस्थिति रहेंगे जिसमें आप प्रथम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे जिसके साथ आपके भाव के स्वामी सूर्य युति करेंगे परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में आने से और शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है साथ ही आपको अधिन कार्य कर रहे कर्मियों से भी आपको कुछ समस्याएं हो सकते हैं जिसके कारण आप नौकरी बदलने का विचार तक कर सकते हैं आज से आपको सलाह दी जाती है कि जज्बाती में कोई भी फैसला लेने से बचते हुए

निवेशकों से मिल सकता है